वेलकम टू वेडिंग प्लस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, ये वीक का एंड हो गया है, तो इस वीक में मैंने क्या क्या ट्वीट किया है। आपको पता है कि मैं एवरी थर्सडे को वीडियो बनाता हूँ, जो हम जो भी ट्वीट करते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ कि इस वीक में मेरा क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ और शेयर कर दूँ कि आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करूँगा, उसमें एक चीज़ है कि मैंने, आपको अगर पता होगा तो इस वीक में मैंने आयरन फ्लाई यूज़ नहीं किया था। इस मंथ वीक में मैंने आयरन फ्लाई नहीं बनाया था, तो उसकी जगह पे मैंने कुछ इंट्राडे ट्वीट्स किए थे, जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए थे वो नहीं, उसके अलावा भी कुछ इंट्राडे ट्वीट्स किए थे आपके साथ। बट क्या है कि ना वो ट्वीट मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किए, ना मैंने जो हमारा मेंटरशिप है उनके साथ शेयर किया है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल ट्वीट थे। कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कुछ नई इंट्राडे स्ट्रैटेजी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो वो ना मैंने मेंटरशिप में शेयर किया, ना आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया। तो इस मंथ में जो मैंने कैपिटल टोटल यूज़ किया है वो 50 लाख रुपीस ही यूज़ किया हुआ है। बाकी का जो कैपिटल यूज़ है वो इंट्राडे में यूज़ किया है, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, जस्ट बिकॉज कि वो मैंने ना आपके साथ शेयर किया ना मेंटरशिप में शेयर किया, राइट। एक बार मुझे अगर उस पर उस स्ट्रैटेजी पे अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, मुझे लगता है कि अच्छा ये स्ट्रैटेजी काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल है और बहुत सारे मार्केट कंडीशन में भी सक्सेसफुल है, तो आगे चल के मैं वो स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल अभी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं उस पर, ठीक है। तो चलिए अब आज की वीडियो शुरू करते हैं, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और सारा प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि क्या क्या ट्रेड हमने किया और क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ हमारे इस वीक में। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें। चलिए तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। आप देख सकते हैं, देखिए एक और अनदर वॉलेटाइल डे, मतलब अभी वॉलेटाइलिटी मार्केट में बिल्कुल कॉमन हो चुकी है। आप देखेंगे बैंक निफ्टी आज भी ऑलमोस्ट 460 पॉइंट्स गिरा है। बैंक निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी आज थोड़ा रिजिलियंट था। गैप डाउन तो हुआ, मतलब एक स्मॉल गैप डाउन हुआ, उसके बाद थ्रू आउट द डे निफ्टी जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर में रहा। लेकिन आप ये देख लीजिए, सेलिंग प्रेशर में रहा, ऑलमोस्ट 1% गिरा, उसके बाद फिर रिकवरी आई, जस्ट आपका 12 o'clock के बाद मार्केट में रिकवरी आई। बट वो रिकवरी भी इतनी स्मूथ नहीं थी, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, करेक्शन आ रहा था, ऊपर जा रहा था और करेक्शन आ रहा था, और ये करेक्शन भी काफ़ी सिग्निफिकेंट करेक्शन आ रहे थे, फिर से ऊपर गया और फिर से मार्केट नीचे आया। तो थ्रू आउट द डे आप अगर देखेंगे तो मार्केट नेगेटिव ही था। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो मार्केट बैंक निफ्टी में और ज़्यादा नेगेटिव था। आप यहाँ पे देखेंगे तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट ऑलमोस्ट 2% के आसपास गिरने को था, 1.8% के आसपास आप यहाँ पे देखेंगे। तो कल से लेके आज का जो लोएस्ट पॉइंट है वो 700 पॉइंट नीचे है, और एक्सपायरी वाले दिन भी मार्केट इस तरह से वॉलेटाइल है, मतलब कोई भी, अब आप सोचिए कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ज़्यादा कॉल एंड पुट राइटिंग हुई होगी जहाँ पे मैक्स पेन बन रहा होगा, तो मैक्स पेन को भी मार्केट ने अब गलत ही एक्चुअली कर दिया है। तो मैक्स, जो लोग भी मैक्स पेन देख के भी अपने ऑप्शन को सेल कर रहे हैं वो लोग भी काफ़ी अभी प्रॉब्लम में आ रहे होंगे, और दूसरा जो लोग डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये मार्केट अभी सुटेबल नहीं है, नॉन डायरेक्शनल के लिए तो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में प्रॉफिट बना पाना थोड़ा टफ है, दो ये वीक हमारा काफ़ी अच्छा गया है, काफ़ी अच्छा, मतलब कि जितना मैं टारगेट करता हूँ उस टारगेट के आसपास ही मेरा रिटर्न अचीव हुआ है। तो वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो वीक अच्छा गया है मेरा। अच्छा चलिए मैं आपको कुछ पहले ट्रेड दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा ये वाला जो ट्रेड है ये मैं आपके साथ टेलीग्राम पे मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये मेरा कैलेंडर का ट्रेड है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कैलेंडर का ट्रेड मैंने पूरी पहले आपको पूरा डिटेल में बता दूं, उसके बाद फिर आप समझिएगा इसको। कैलेंडर का ट्रेड क्या था कि मैंने जब 1300 रुपीज़ पर लॉट के आसपास प्रॉफिट हो रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि आप क्लोज कर दीजिए। मैं पहले आपको चार्ट भी दिखा दूँ, जब ये मार्केट यहाँ पे गिरा था, मैं एग्जैक्ट आपका टाइम भी बता देता हूँ, 11:16 मैंने आपसे बोला था, तो 11:16 हमारा हो रहा है इधर कहीं पे, इस कैंडल पे, ये कैंडल पे, ठीक है। तो इस कैंडल के आसपास मैंने आपसे कहा था कि आप ट्रेड क्लोज कर दीजिए, क्योंकि इसलिए सिर्फ इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप ट्रेड क्लोज कर दीजिए क्योंकि कैलेंडर का ट्रेड है और एक्सपायरी वाले दिन बहुत ज़्यादा स्विंग चेंज होते हैं, मतलब कि मार्केट जो आपके MTM है, जो आपका PNL है, वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, कभी अचानक से प्रॉफिट में आ जाएगा, कभी अचानक से लॉस में आ जाएगा। तो 1300 का जब प्रॉफिट हो रहा था तब मैंने आपसे टेलीग्राम पे क्लोज करा दिया था, लेकिन जो लोग मेरे साथ लाइव में ट्रेडिंग कर रहे थे, जो लोग मेंटरशिप के मेंबर हैं, जो लोग मेरे साथ लाइव में ट्रेडिंग कर रहे थे, उनके साथ मैंने सिर्फ ये 17,200 का ये वाला कैलेंडर क्लोज कराया था, और हमने 17,000 का कैलेंडर ओपन रखा था। तो जब इसमें पर लॉट 2,000 रुपीज समथिंग का प्रॉफिट होने लगा, उसके बाद मैंने ये पूरा ट्रेड क्लोज कराया। तो कैलेंडर जो मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे अपडेट किया है
वो 1300 रुपीज़ पर लॉट का प्रॉफिट अपडेट किया है। जो एक्चुअल प्रॉफिट मुझे हुआ है वो 2000 रुपीज़ पर लॉट का प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये टेलीग्राम पे सिर्फ इसलिए क्लोज कराया था क्योंकि लास्ट मोमेंट पर, अगर क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन डेल्टा बहुत एक्टिव होता है और कैलेंडर के ट्रेड में वो रिस्की हो सकता है, तो मैं आपको पहले टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा, फिर थोड़ी देर बाद आप जब देखेंगे तब तक हो सकता है ट्रेड आपके हाथ से निकल जाता है, इसलिए मैंने आपके टेलीग्राम पे ट्रेड पहले क्लोज करा दिया, राइट। ये दूसरा ट्रेड आप देख लीजिए, ये ट्रेड मैंने कल आपके साथ, जो वीडियो कल अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था और बताया था कि ये स्ट्रैटेजी में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये एक एक्सपेरिमेंट ट्रेड था, आगे हर वेंसडे को मैं ये वाला ट्रेड करने वाला हूँ, हर वेंसडे को ये ट्रेड मैं करूंगा और इसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस बार मैंने ज़्यादा क्वांटिटी से नहीं किया, आप यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ 10 क्वांटिटी से किया है वो, क्योंकि अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट बेसिस पे मैं इस ट्रेड को कर रहा हूँ तो इसलिए अभी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। एक बार मुझे इस ट्रेड में सक्सेस मिल जाए, पता चल जाए कि हाँ रेगुलर बेसिस पे ये इतना प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा है, मार्केट मतलब किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, मार्केट के हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस दे रहा है, तो फिर मैं एक बार मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाए तो मैं इसमें अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा दूंगा। और लेट मी टेल यू, ये बहुत हाईली प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, प्लस एट द सेम टाइम इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है। तो आने वाले टाइम में मैं इसकी इस ट्रेड की पूरी ट्रेड का पूरा सेटअप का डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। और ये हमारा थर्ड ट्रेड है, नहीं एक सेकेंड, एक ट्रेड और आ गया वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, जो हमारा एक्सपायरी डे का ट्रेड होता है, जो मैं जो हमारे मेंटोरशिप के मेंबर्स हैं उनके साथ जो मैं करता हूँ, उसका एक और ट्रेड है। ऑप्शन थोड़ा टाइम लगाता है कभी कभी खुलने में, तो हाँ ये तो आप ये देखिए, ये एक मैंने ट्रेड किया था, ये जो लाइव सेशन हमारा होता है उसमें मैंने ट्रेड किया था। तो ये वाले ट्रेड में हमारे, ये ट्रेड को मैंने एक्चुअली जल्दी क्लोज कर दिया, तो इस ट्रेड में भी मुझे सब मिला के 30 लॉट्स में किया था और 20,000 समथिंग का प्रॉफिट हुआ है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, ये पहला ट्रेड हमारा, ये वीकली ट्रेड ये था, कल हमने ये वाला ट्रेड किया है, कल जो वेंसडे को इवनिंग के टाइम पे हमने ये ट्रेड किया था, अराउंड 3 o'clock हमने ये ट्रेड लिया था, और लास्ट ट्रेड हमारा ये है। ये तीन ट्रेड हमने इस वीक में किए हैं। इसके अलावा ये हमारा ITC का ट्रेड है, अभी इस ITC में 1000 रुपीज़ समथिंग का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये ट्रेड को अभी इसका PNL डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, टू वीक्स हैं, तो टू वीक्स में जो भी इसका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये ट्रेड भी मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है। तो फिलहाल इस वीक में मैंने ये जो टोटल कैपिटल यूज़ किया था वो 50 lakh रुपीज़ यूज़ किया था इन तीनों ट्रेड को बनाने में। तो आप ये देख लो तीनों ट्रेड में, इस ट्रेड में मुझे 60,000 समथिंग का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 29,000 समथिंग का, और यहाँ पे 20,000 समथिंग का। इसमें से इस वीक में मेरी ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं गई होगी क्योंकि आप यहाँ पे देख लीजिए कि तीन ट्रेड यहाँ पे मैंने किए हुए हैं और ये टोटल ट्रेड में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया, जस्ट मैंने ट्रेड डिप्लॉय किया और ट्रेड क्लोज किया हुआ है। और इस ट्रेड में मैंने दो एडजस्टमेंट किए हुए हैं, एक ये वाला एडजस्टमेंट और ये वाला एडजस्टमेंट। तो सब मिला के अगर ब्रोकरेज की हम बात करें तो मैक्सिमम कुछ 1000 रुपीज़ के आसपास ब्रोकरेज ही होगा, प्लस गवर्नमेंट चार्जेस भी 1000 रुपीज़ के आसपास के होंगे, 2000 रुपये के आसपास मेरा यहाँ पे, 2000 आप 2500 रुपये के आसपास मेरा यहाँ पे सारा ब्रोकरेज एंड चार्जेस सब मिला के गया होगा। तो यहाँ पे मैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 60,600 प्लस 29,740। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं दिखाता हूँ, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ मैं अपने पैसे यूज़ नहीं करता हूँ, मैं एक ट्रेडिंग डेस्क है ट्रेडिंग प्लस, उसमें सारे अकाउंट्स मैनेज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपना पैसा यूज़ नहीं करता हूँ, बाकी लोग बहुत सारे लोगों का पैसा मैनेज करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको वो अकाउंट्स नहीं दिखाता हूँ जो मैं एक्चुअली में कर रहा होता हूँ, जो लाइव सेशन में मैं सारे डिटेल्स शेयर कर रहा होता हूँ वही ट्रेड्स के डिटेल्स मैं आपके साथ यहाँ पे वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो टोटल 1,10,000 के आसपास मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अगर इसमें से मैं 5,000 रुपीज़ निकाल भी दूँ, 5,000 भी ब्रोकरेज और चार्जेस नहीं गए होंगे, सब मिला के 2,000-3,000 के बीच में गए होंगे, तो भी मोर देन 2% के आसपास का रिटर्न बना है मेरा इस वीक में, जो भी ट्रेड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उसके हिसाब से, राइट। तो आज की वीडियो में अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो अब इस नेक्स्ट वीक का हमारा ट्रेड होगा वो ट्रेड मैं कल फ्राइडे को लूँगा और टेलीग्राम पे उसकी सारी अपडेट्स मैं आपको दूंगा। टेलीग्राम अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो कल 3 o'clock के आसपास मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा कि इस वीक में हम लोग कौन कौन सा ट्रेड लेने वाले हैं, राइट। चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं जरूर से आंसर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।